हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर कि आज मैं जाने वाली हूँ चेगोना धाम। उसका व्लॉग मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। हम लोग सब कोई गए थे चेगोना धाम मंदिर, और ये बहुत ही विख्यात धाम है बाबा वीर कुंवर जी का चेगोना धाम। जो भी मन्नत यहाँ पे मांगा जाता है वो पूरा होता है, सभी को यहाँ पे चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। धीरे धीरे बहुत से दूर दूर के लोग भी मतलब आते हैं घूमने के लिए। पहले तो ज़्यादा लोग जानते नहीं थे इस मंदिर के बारे में, यहाँ इस धाम के बारे में, बट धीरे धीरे सभी लोग जानने लगे हैं। मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ जाने के लिए, यहाँ मम्मी लोग भी रेडी हो गई। हम लोग मॉर्निंग के टाइम पर ही जाने वाले थे, निकल रहे थे। मैंने स्काई कलर का साड़ी वेयर किया हुआ है, स्वेटर भी मैंने पहन लिया है क्योंकि ठंडा का दिन है इसलिए। और यहाँ पे मैं विदाउट सॉक्स ये वाला फुटवेयर पहन करके जाने वाली हूँ। सॉक्स मैं वेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वहाँ मंदिर में फिर खाली पैर जाना होगा, इसीलिए मैं फिर सॉक्स नहीं वेयर कर रही हूँ। मैं ऐसे ही जाऊँगी, स्वेटर मैं पहन ली हूँ और मैं टोपी पहन लूँगी क्योंकि ठंडा का दिन है और गाड़ी से जाना है और गाड़ी से ही आ जाना है। और हम लोग पूरा फैमिली जा रहे थे, यानी कि सिर्फ मैं जा रही हूँ, मैं अकेले नहीं जा रही, मेरी पूरी फैमिली जा रही है चेगोना धाम बाबा वीर कुंवर। वहाँ पे मान्यता है कि जो भी लोग उस रास्ते से गुजरते हैं वो प्रणाम किए बिना नहीं जाते हैं, और जो बिना प्रणाम किए जाते हैं उसका या तो एक्सीडेंट होता है या कुछ ना कुछ तो हो जाता है दुर्घटना, तो इसीलिए। और वहाँ पे सभी लोग प्रणाम करके ही वहाँ से पार होते हैं, जितने भी लोग वहाँ से गुजरते हैं, जो भी गाड़ी जाता है। यहाँ पे मैं अपना ब्लैक ब्यूटी और वाइट ब्यूटी को अंदर ही घर में रख करके जाऊँगी, बाहर नहीं रखूँगी क्योंकि हम लोग पूरा फैमिली जा रहे हैं, तो फिर बाहर में बिल्ली ये सब रहता है, उन लोग को खा जाएगा ना, तो मैं उन लोग को ले करके नहीं जा रही हूँ। मेरा ब्लैक ब्यूटी वाइट ब्यूटी घर पर रहेगा, घर के अंदर मैं उन लोग को बंद करके गई थी, खाना पीना मैं दे दी थी उन लोग को। और यहाँ पर देखो मेरे सिल्वर कलर की नेल्स, नेल पेंट मैंने लगाया सिल्वर कलर का, मुझे जाना था तो मैं वीडियो नहीं बना पाई हड़बड़ी में क्योंकि जाना था, तो मैं फिर निकल गई, गाड़ी से जाना था। गाड़ी आया था, मैं मम्मी पापा भाभी दोनों बच्चा लोग, हम लोग सब कोई जा रहे थे। और चेगोना धाम में पूजा करना है, वहाँ का मैं दर्शन करा दूँगी आप सभी को, आप लोग भी दर्शन कर लेना, घर बैठे बैठे दर्शन कर लेना। पीछे मेरे भैया का गाड़ी लगा ब्रेजा, और यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं क्योंकि ना रास्ता में ही सबको गिरा दिया था छरी बालू, तो हम लोग को गाड़ी निकल ही नहीं पाया, रास्ता में ही सब कोई गिरा दिया था बालू, मतलब पूरा रास्ता ही जाम हो गया था, तो फिर हम लोग को दूसरा गाड़ी बुलाना पड़ा, फिर हम लोग दूसरे गाड़ी से गए। हम लोग को निकलना था अगला दिन, और एक दिन पहले ही शाम के टाइम पे रोड पे ही बालू पूरा रास्ता में घिरा हुआ था, और हम लोग को निकलना था एकदम मॉर्निंग टाइम में, तो फिर हम लोग दूसरा गाड़ी बुला करके और तब फिर गए। यहाँ पर हम लोग सभी लोग जा रहे हैं ये देखो, और आज आप सभी को भी दर्शन करा दूँगी, घर बैठे ही आप लोग भी दर्शन कर लेना। हम लोग घर से निकल चुके हैं जाने के लिए, ये हमारा गांव है, नदी पार करते हुए, अमानत नदी पार करते हुए हम लोग सभी लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। आप लोग भी चलो, यहाँ हम लोग देखो पहुँच गए हैं, और यहाँ पे शादी विवाह सारा कुछ होता है, पहले इतना कुछ नहीं था, बट अब जैसे जैसे लोग दूर दूर के लोग जानने लगे हैं ना, तो दूर दूर से लोग अब आते हैं, जो भी मन्नत मांगना है वो मांगते हैं, यहाँ पर आ करके चढ़ावा चढ़ाते हैं। चेगोना धाम धीरे धीरे काफ़ी दूर दूर तक लोग जान रहे हैं कि चेगोना धाम है, यहाँ पे क्या मान्यता है, वीर कुंवर बाबा जी का पूजा होता है, यहाँ पे देवी मंडप है, देखो काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ लगता है पूजा करने के लिए, बट हम लोग को पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था। यहाँ पे माला चढ़ाया जाता है, नारियल लिए हैं, माला है वहाँ पे भगवान जी को चढ़ाने के लिए। बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा है, बाबा वीर कुंवर चेगोना धाम आप लोग देख सकते हो। यहाँ बाबा वीर कुंवर का पूजा किया जाता है, आप लोग भी प्रणाम कर लो। फिर वहाँ से हम लोग पूजा करने के बाद निकले थे, तो फिर दोपहर का टाइम हो गया था, 12 बज गया था, तो फिर मंदिर का कपाट बंद कर दिया गया था, फिर हम लोग बाहर निकल गए, बाहर में पूजा कर लिए थे हम लोग। उसके बाद फिर कुछ देर वेट किए जब मंदिर का कपाट खुला, उसके बाद फिर मम्मी लोग फिर पूजा की, हम लोग तो जल्दी जल्दी पूजा कर लिए थे क्योंकि बंद होने वाला था, तब तक बहुत से लोग फिर से आए थे और मंदिर का कपाट भी बंद हो गया था। फिर हम लोग वहाँ रुके क्योंकि बच्चा लोग का ना एग्ज़ाम चल रहा था, भाभी का बच्चा लोग का, तो फिर हम लोग को उन लोग को भी तो ले करके आना था ना, फिर उन लोग रोने लगता कि हम लोग सब कुछ गए उन लोग को ले करके नहीं गए, और सब कोई तो मतलब बिना स्वेटर का सब कोई आया था, हम लोग को लग रहा था कि सिर्फ हम लोग को ठंडा लग रहा है क्या, कोई स्वेटर ये सब कुछ पहना ही नहीं है,
फिर वहाँ पे गए तो धूप लग रहे थे 12 बजे के लगभग में, तो हम लोग सब ने स्वेटर भी खोल दिया, टोपी खोल दिया, बच्चा लोग रोने लगा कि हम लोग को ड्रेस चेंज करना है, फिर बच्चा लोग का ड्रेस चेंज की, भाभी लोग बोल रहे थे कि हम लोग स्कूल ड्रेस में घूमने आए हैं क्या, फिर लोग का भाभी ड्रेस भी चेंज करवाई। पहले चगौना धाम ये जो मंदिर है सिर्फ सिंगल ऐसे ही सिंपल सा मंदिर था, बट धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ है, जैसे जैसे यहाँ पे लोगों की भीड़ बढ़ रही है वैसे वैसे मंदिर का भी निर्माण और भी ज़्यादा आगे बढ़ा है। शादी के लिए विवाह मंडप भी तैयार किया गया है और यहाँ पे शादी विवाह सारा कुछ होता है, बगल में है सारा कुछ बना हुआ है, जो भी शादी विवाह है सारा कुछ होता है। मंदिर का भी निर्माण अच्छा से कर दिया गया है, पहले इतना कुछ भी नहीं था बट अब कर दिया गया है। मैं तो और ये छतरपुर से थोड़ा सा पीछे साइड में, मैं छतरपुर मेरे हस्बैंड रहते थे तो वहाँ से मैं गई थी लास्ट टाइम पे, एक बार गई थी हस्बैंड के साथ और फिर अभी मैं आई हूँ अपनी फैमिली के साथ आई हूँ इस बार। और मतलब हम हर टाइम तो नहीं आ पाते हैं बट जब मौका मिलता है तो आ ही जाते हैं, और यदि इस रास्ते से जाते तो प्रणाम करके रुक करके और उतर करके गाड़ी से और फिर प्रणाम करके निकलते हैं। आप लोग भी प्रणाम कर लो बाबा वीर कुंवर जी से, आप लोग भी प्रार्थना कर लो, जो भी मनोकामनाएं वो ज़रूर पूर्ण करेंगे भगवान जी, आस्था है तभी तो लोग इतना आते हैं। चगौना बाबा सबकी सुनते हैं, सबकी सुनेंगे, सबका कल्याण करेंगे, सारा कुछ व्यवस्था कर दिया गया है क्योंकि लोग काफ़ी भारी संख्या में आते हैं तो। और मंदिर के पीछे साइड में भी बहुत सारा दुकान ये सब बन गया, पहले इतना कुछ नहीं था, पहले तो सिर्फ रोड पे था प्रसाद ये सब बिकने वाला या जो भी दुकान है होटल ये सब है, पहले कुछ भी नहीं था बट अब सारा कुछ हो गया है। यहाँ पे देवी मंदिर है, 9 देवी यहाँ पे हैं, यहाँ पे पूजा होता है बाबा वीर कुंवर जी का, पूजा करने के बाद यहाँ पे पूजा होता है, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे। और वहाँ तो मुझे इतना खसी खसी महक रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, कुछ खाए पिए नहीं थे, फिर वहाँ बस प्रसाद खाए और फिर वहाँ से निकल गए, फिर हम लोग गाड़ी से वापस आ गए घर को। वहाँ पे खसी ये सब गछा जाता है, खसी मुर्गा जो भी है सारा कुछ गछा जाता है, मनोकामना पूरा हो गया तो आप फिर दीजिए ऐसा कहा जाता है। एक लेडीज़ है वहाँ पे, एक जेंट्स है, एक को सिंदूर लगाया जाता है वहाँ पे, जैसे वीर कुंवर बाबा है ना तो एक को सिंदूर लगाया जाता है। फिर हम लोग वहाँ से पूजा ये सब कर करके सब कोई आ गए, भाभी तो गाड़ी में उल्टी करने लगी थी ज़्यादा, जबकि दूर भी नहीं था हम लोग के घर से, भाभी को हमेशा होता है। फिर हम लोग वहाँ से निकले, हम लोग फिर उतर गए, फिर हम लोग जा रहे हैं घर को, टोपी सब खोल दिए तो गर्मी लगने लगा था, आते आते बच्चा लोग बैग ले ले करके आ रहे हैं, लोग ड्रेस चेंज करवा ही लिया जिद कर करके, हम लोग सबको आ रहे हैं। आने में हम लोग को 2:30 बज गया था, गए थे हम लोग बच्चा लोग को एग्ज़ाम दिलवा करके गए थे ना, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था तो छुड़वा भी नहीं सकते थे। हम लोग पहुँच गए अपने घर को, फिर हम अपना ब्लैक ब्यूटी वाइट ब्यूटी को घर के बाहर निकाले धूप में, क्योंकि ठंडा का दिन था ना तो ये लोग भी बेचारा अकेले था, सोच रहे थे कहाँ चल गई मैं, कहाँ चली गई। फिर लोग हमें पानी पिलाई, बेचारे को भूख प्यास लगा होगा तो मैंने पानी पिलाई, खाना खिलाई। मैं आप सभी को भी प्रसाद देती हूँ। उधर से आए तो फिर अपना फुटवेयर ये सब खोले, पैर धोए, फिर मैं आप सभी को प्रसाद खिलाती हूँ। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोग भी गए हैं कभी चगौना धाम, नहीं गए हैं तो एक बार दर्शन करने ज़रूर चले जाइएगा, जो लोग जानते होंगे चगौना धाम बाबा के बारे में, नहीं जानते होंगे तो जानकारी हासिल कर लीजिए और जाइए ज़रूर। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।